कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके तहत अब कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों को अस्थायी जेल भेजा जाएगा। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी ना तो दुकानदार और ना ही लोग शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं। कई लोगों द्वारा बरती जा रही इस लापरवाही को देखते हुए अब प्रशासन सख्त कार्रवाई के मूड में आ चुका है। इसी कड़ी में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने रणजीत क्लब को अस्थायी जेल में तब्दील करवा दिया है। कलेक्टर के मुताबिक अब जो भी शासन की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसके खिलाफ धारा 151 में कार्रवाई कर उसे अस्थायी जेल भेजा जाएगा। कलेक्टर ने जनता से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की भी अपील की है। अभी हमारे जिले में लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और अभी भी देखने में आ रहा है कि ढेर सारे लोग अभी भी जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क घूमते रहते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, दुकानदार भी अपने पालन नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि लोग जो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसको उसके खिलाफ में जो CRPC के सेक्शंस हैं धारा 151 के अंतर्गत में उनको अस्थायी जेल में भेजा जाएगा और उसके लिए हमने रणजीत क्लब को अस्थायी जेल घोषित कर दिया है और आज से ही हम ये कार्रवाई चालू करेंगे। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि लोगों को हरास किया जावे, ये प्रतीकात्मक है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन न करें, सदैव मास्क लगा करके ही रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें ताकि अस्थायी जेल का उपयोग ही न हो पाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अब सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को अस्थायी जेल भेजा जाएगा। MP News के लिए तरुण जैमिन की रिपोर्ट।